नमस्ते। तो व्लॉग्स बेसिकली दो प्रकार के होते हैं। ये जो मोहब्बत है। Hey guys, welcome to my vlog. I hope आप सब लोग अच्छे होंगे। चैनल को प्लीज सब्सक्राइब कर देना। और आज के वीडियो में हम आपको बताएंगे कि कैसे हम दोपहर में खाना खाते हैं, और मैं आपको टाइम अपडेट्स देता रहूंगा, और मैं व्लॉगिंग कम पर न्यूज रिपोर्टिंग ज्यादा करने वाला हूं। तो एंजॉय करें, सब्सक्राइब कर दे, लाइक कर दे, शेयर कर दे, कमेंट। मतलब इसमें कुछ खास मजा नहीं आया। अब दूसरे टाइप की व्लॉगिंग आज हम आपको दिखाएंगे भी और सिखाएंगे भी। तो एक अच्छा व्लॉग बनाने के लिए तीन चीजें इंपॉर्टेंट है। पहली चीज बताने से पहले मैं आपको ये बता दूं कि मैं फिलहाल मुंबई में हूं। वैसे तो मुंबई में मेरा पहली बार आना 2012 में, यानी क्लास 5 में हुआ था, और उस वक्त के ज्यादा यादें हैं नहीं मेरे पास, सिवाय मन्नत के सामने जाके शाहरुख खान का नाम चिल्लाना और मरीन ड्राइव पे ये तस्वीर खींचना। तो भैया फिलहाल मुंबई लोकल से निकल के मेरे को ना ऐसे बड़ा मन था बहुत दिनों से कि मुंबई को अच्छे से कवर करना है, जब से मैं आ रहा। अब जब पापा के जॉब के ट्रांसफर के कारण 2021 में हम फाइनली मुंबई शिफ्ट हुए, तब से ना मेरा बड़ा मन था कि शहर की जो खूबसूरती है उसको अपने कैमरे में कैद करके आप तक पहुंचाऊं, पर कभी कर नहीं पाया था। टाइम का कंस्ट्रेंट कह लो या फिर एक्सक्यूज कह लो कि यार निकल के खुद से शूट करना पड़ेगा, पर आज अच्छा आज हमारे साथ यहाँ जुड़ चुके हैं। कैसे भाई, क्या हाल चाल? बढ़िया बढ़िया। तो हमने सोचा आज मुंबई को थोड़ा थोड़ा कवर करने का, प्लान्स कुछ नहीं, कहाँ जाना है कुछ नहीं पता, पर बस ऐसे ही। तो जी, आपके मन का पहला सवाल और व्लॉग बनाने का पहला स्टेप कि एक अच्छा व्लॉग बनाने के लिए आपको एक अच्छा कैमरा चाहिए या फिर एक अच्छा फोन या फिर एक अच्छी कहानी। देखो, हर एक अच्छी वीडियो के पीछे ना एक इमोशन होता है, एक फीलिंग होता है जो ऑडियंस को लास्ट तक कुछ गहरा महसूस करवा के जाता है। अपने आसपास ही देख लो, चाहे मुंबई लोकल की रश की तरह तुम्हारी लाइफ की रश हो, या फिर हाल ही में जो बारिश गिर रही है, जैसे तुम बचपन में बारिश में मासूमियत में भीगा करते थे। सेम चीज़ की एनालॉजीज लाओ, उसको कहानियों में कन्वर्ट करो, कहानी में कैरेक्टर्स घुसाओ, और तब तुम रेडी हो जाओगे स्टेप टू के लिए। बस भाई, जिस दिन हमारा कंटेंट कंपेरेबल हो गया ना इरफान भाई से। अरे भाई, मैं तेरा ही देख देख के कितना सारा लिया हूं। क्या बात कर रहे हो, क्या खाओगे बताओ। भाई बोला हमारा वही सीन है कि हमें दिल की खुशी ना छोटी छोटी चीज़ों में मिलती है, कि अच्छा शॉट आ गया, ठीक है, कि हमें अच्छा कवर ड्राइव लग गया, तुम तो क्रिकेट वाले अच्छा हो। अब आपको ये सब शॉट्स देख के लग रहे होंगे भाई साहब ये कितना कूल है एंड ऑल, पर अगर आप मेरे पीछे रहेंगे तो आपको कुछ ऐसा दिखेगा। स्टेप नंबर टू, जोड़ो, ज्वाइन, कनेक्ट। देखो, अच्छे क्रिएटर्स और तुम्हारे लो एफर्ट व्लॉगर्स में डिफरेंस सिर्फ यही रहता है कि वो अपने कट्स को सिर्फ कट करते हैं, बट अच्छे क्रिएटर्स अपने कट्स को कनेक्ट करते हैं। लेट मी एक्सप्लेन। तो वीडियो में आपने एक चीज़ देखी होगी कि मेरा जो ये व्लॉग का पार्ट चल रहा है CST के सामने, वो यहाँ पर कट होके वापस रेफरेंस करता है टू माई फर्स्ट विजिट इन बॉम्बे, और क्यों मैंने बॉम्बे को कभी कवर नहीं किया, और फिर ये कनेक्ट होता है, और देखना कनेक्ट होता है सेम वर्ड से। कभी कर नहीं पाया था टाइम, जोड़ो, कनेक्ट करो। वीडियो में और पहले जब मैं आपको व्लॉगिंग के तीन इंग्रेडिएंट बता रहा था, तो मैंने वहां पर भी एक सेम वर्ड पे कट करा, और मुझे आपको मुंबई की कहानी भी सुनानी थी, इसलिए मैंने सेम वर्ड में कट करके कहानी को मुंबई की तरह डेविएट कर वापस कनेक्ट, जोड़ो। तो एक अच्छा व्लॉग बनाने के लिए तीन चीजें इंपॉर्टेंट है। पहली चीज बताने से पहले मैं आपको ये बता दूं कि मैं फिलहाल मुंबई में हूं। आओ भैया। मैं व्लॉग को लेके बात कर रहा हूँ कि कैसे कुछ क्रिएटर्स होते हैं जो कि सिर्फ कट 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 करके अपना व्लॉग बना लेते हैं, और कैसे दूसरा सेगमेंट ऑफ क्रिएटर्स होते हैं जो कि अपने व्लॉग में कहानी लाते हैं, कहानी सुनाते हैं, फिर भी वो क्रिएटर्स के 20 मिलियन सब्सक्राइबर्स थे। अगर तुम अपने वीडियोज में थोड़ा स्टोरी टेलिंग इनकलकेट करना स्टार्ट करोगे, थोड़े बहुत एफर्ट्स देना स्टार्ट करोगे जेन्युइनली, हाँ, इनकलकेट, या यस। ओ भाई, हाय, नाइस टू मीट, बाय। तो अभी बहुत तेज की भूख लग चुकी है हम लोग को, क्योंकि सुबह से निकले हुए, तो थोड़ा भी पेट पूजा ही बनता है अपना। फिलहाल सामने मरीन ड्राइव है, और इधर ही आपको पता है कोई तो रेस्टोरेंट है, तो उधर जा रहे हैं हम। है, क्या है? अच्छा, खाओगे? ठीक है, हमारे लिए वो रेस्टोरेंट ही हो गया। तो भैया टेल मी समथिंग, व्हाट इज द मोस्ट टूरिस्टी थिंग यू कैन डू व्हाइल कमिंग एट बॉम्बे, लेट मी शो यू।
अब अपने अपने शहर में ना हम सबका ही कोई ना कोई एक कम्फर्ट स्पॉट रहता है। बॉम्बे में वो कम्फर्ट स्पॉट मेरे लिए मरीन ड्राइव है। अब यहाँ बैठ के मेन कैरेक्टर फील्स आना, बैकग्राउंड में एक तारा बजना, ये सब तो काफ़ी लाजमी है। पर ठीक इसी जगह जो मैंने अपनी बॉम्बे की पहली विजिट में तस्वीर खींची थी, मरीन लाइंस में बैठ के मुझे कई दफ़ा वो तस्वीर याद आ जाती है। 11 साल, कितना कुछ बदल गया नहीं 11 सालों में। तू ही जाने तू क्या सोचता है, बावरे क्यों दिखाए सपने तू सोते जागते, जो बरसे सपने बूंद बूंद नैनों को मूंद तो ये लगता है कि आप मरीन्स की कहानी में इतना खो गए कि शायद आप भूल ही गए कि ये वीडियो व्लॉगिंग के 3 नुस्खों के बारे में थी। वैसे एक अच्छे वीडियो की यही पहचान होती है कि वो क्रिएटर अपने कहानी को इधर से उधर लेके चला जाए पर ऑडियंस को पता भी ना चले। तो स्टेप 3 परसिस्टेंस। देखो ज्ञान नहीं दूंगा पर सच बात बोलूंगा कि तुम्हारा पहला वीडियो या पहला व्लॉग शायद बहुत ही खराब बने क्योंकि ये तुम्हारी शुरुआत है। धीरे धीरे चीज़ों को सीखो और उन चीज़ों पर ज़्यादा ध्यान दो जो तुम्हारे वीडियोस को अच्छा बनाएंगे। मिसाल के तौर पर 2 चीज़ें बताऊंगा दिस कैन टेक योर वीडियो फ्रॉम level 0 टू एटलीस्ट level 30। कृपया करके डोंट बी अनूप, स्टार्ट लर्निंग अबाउट टाइप फेसेस, टाइपोग्राफी एंड फॉन्ट इमोशंस। अगर आप मेरे से पूछे तो ये रहे मेरे कुछ फेवरेट फॉन्ट्स। सबसे पहले तो अननेसेसरी EDM धुपचिक म्यूजिक यूज़ करना बंद करो, अच्छा नहीं लगता। और सेकंडली साउंड डिज़ाइन पे थोड़ा ज़्यादा ध्यान दो क्योंकि अगर 10 मिनट के एक्स्ट्रा एफर्ट से वीडियो 10 गुना बेहतर बन सकती है तो वाई नॉट। और बाकी अगर आपके एक लाइक से मेरे को अपनी अगली वीडियो बनाने के लिए 10 गुना ज़्यादा मोटिवेशन मिलता है तो वाई नॉट। पैसे नहीं लगते उस चीज़ के, बिल्कुल मुफ्त है, कर दीजिएगा, हमें अच्छा लगेगा अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो।